एक तो ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है डिफेंस के लिहाज से भी, और अगर आप उनकी इकोनॉमी इकॉनमी देख लें वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों में बेहतर होगा तो फिर इंडिया, ये वैसे तो ICC एक टूर्नामेंट है, दरअसल वजह ये है कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं करवाई जाती, यहाँ पर खिलाड़ी अपने आप को महफूज नहीं समझते, यहाँ पर दहशत गर्दी हो जाए। क्यों? ये सियासत की वजह से सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो क्या नाम है कोई भी मुल्क के जो बोर्ड है PCB जैसे पाकिस्तान में ऐसे और मुल्क के अपनी अपने 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 बोर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं पाकिस्तान आने देते, बस सिक्योरिटी इशू है। और जो आपने वर्ल्ड कप की बात की, बजट भी देखते हैं आप, पाकिस्तान में इतना बजट पता नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान में PSL चल रहा है तो आप PSL देख रहे हैं? हाँ जी PSL देख रहे हैं। अभी तक कितने मैच देखे? तकरीबन सारी देखे। और फेवरेट टीम कौन सी आपकी? फेवरेट टीम मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो क्यों? नसीम शाह। अच्छा, सिर्फ नसीम शाह की वजह से और कोई नहीं? नहीं, नसीम अच्छा है और शताब खान दोनों फेवरेट है मेरे तो इस वजह से। अच्छा, अगर बात की जाए PSL की, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो लीग है ये ज्यादा अच्छी है या फिर IPL की लीग ज्यादा अच्छी है? देखा जाए तो वैसे PSL हमारी अपनी लीग है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को बात करें तो फिर IPL अच्छी है। अच्छा, देखिए अगर जो भी मैच हो या कोई भी लीग हो या सीरीज हो, अगर चैंपियनशिप की बात की जाए तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? हर किसी और कंट्री में हो जाती है लेकिन पाकिस्तान में आने के लिए वो राजी नहीं होते, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखें तो एक तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं तो आप देख लेंगे 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे पार्टी मारने को तैयार नहीं, जो जीती है वो भी, मतलब कि आप कह लेंगे ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करता है। और यहाँ पे एक दहशतगर्दी का भी है, वो पहले से कम है, लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर यहाँ का अच्छा होगा, हमारा पाकिस्तान का इमेज एक अच्छा जाएगा बाहर, तो क्यों नहीं टीमें आएंगी? जैसे एक PSL स्टार्ट हो गया है तो चैंपियन ट्रॉफी 25 में आ रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि वो उसको यूज़ करे, और आगे इंशाल्लाह फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में होगा। ऐसा ही है। और देखिए अगर वर्ल्ड कप भी देखा जाए तो अब आने वाले साल में होगा, तो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में नहीं करवाया जाता, बाहर की कंट्रीज में ही करवाया जा रहा है। एक तो ये है कि हमारे पास ग्राउंड अच्छे नहीं है। अगर आप लाहौर में चले जाएँ या आप कराची में चले जाएँ तो स्टेडियम जो सीट्स होती हैं वो काफ़ी पीछे हैं, और पीछे आपको नज़र ही नहीं आ रही सके मैच में हो क्या रहा है। अगर आप यही आप देखें लॉर्ड्स का ग्राउंड जो इंग्लैंड में है, या आप इंडिया के ग्राउंड देख लें, तो बेसिकली जो हमारा ग्राउंड का स्ट्रक्चर है वो ही नहीं सही है, तो आप जाके भी आपको फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप टीवी में घर बैठ के टीवी पे देख लें, तो यही वजह है कि लोग जाते नहीं हैं। और पहले तो ये है कि हमें अपना स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा ग्राउंड्स का, और फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब ये अच्छी होंगी तो ये चीज़ें पाकिस्तान में ज़रूर आएंगी। अच्छा, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलने पर राजी ही नहीं है? देखिए इतनी क्या दुश्मनी बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते खेलने के लिए? एक तो ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है डिफेंस के लिहाज से भी, और अगर आप उनकी इकॉनमी देख लें वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों में बेहतर होगा तो फिर इंडिया, ये वैसे तो ICC एक टूर्नामेंट है तो इंडिया को इस बात पर इंक्वायर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें ICC की हैं कि ICC इन चीज़ों को देखे, इंडिया क्यों नहीं आ रहा, ये ICC का काम बनता है कि इंडिया को पाकिस्तान लेके आए। जैसे पाकिस्तान इंडिया गया वर्ल्ड कप में, तो उम्मीद तो है कि इंडिया की टीम भी आएगी, हम भी देखेंगे विराट कोहली को ग्राउंड में जाकर, देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर ICC की बात की जाए तो ICC जो है वो BCCI की बहुत बात मानता है, इसके पीछे क्या रीजन है? सारी बात है फंडिंग की। जो ICC चल रहा है वो सारा BCCI में चल रहा है, जो इंडिया का बोर्ड है, तो अगर ICC को फंडिंग ही नहीं मिलेगी BCCI से तो ICC खत्म हो जाएगा। तो यही मेन वजह है कि अगर BCCI फंडिंग नहीं देगा, ICC खत्म है, तो बस यही वजह है कि ICC जो बात है इंडिया की मानता है, जो इंडिया कहता है ICC वही करता है, और इनके जो BCCI के मेन बंदे हैं वो ICC में ही हैं, तो यही वजह कि BCCI ही ICC को चला रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो इकोनॉमी वाइज इंडिया से बहुत पीछे है, तो आप कहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान के कितने साल बाद अपनी इकोनॉमी को बेटर कर पाएगा? कितने साल बाद? ये तो डिपेंड करता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरह इस मुल्क को लेके चलते हैं। और अगर हम देखें, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो मैं जो मेरा लीडर है वो इमरान खान है, तो अगर आप पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं तो इस मुल्क को इमरान खान के हवाले कर दें 15-20 साल, तो फिर इस मुल्क का कुछ हो सकता है। अगर आपको क्या लगता है कि लोग राजी हो जाएंगे इस पे? लोग तो राजी हैं। अब वो सियासतदान और जो हमारे ऊपर वाले बंदे हैं वो राजी नहीं है। क्यों नहीं राजी? ये पाकिस्तान में पहले से चलता आ रहा है, 75 साल से 70 साल से ऐसा ही है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो लीडर सेलेक्ट नहीं करती, ये कोई और सेलेक्ट करता है। तो ऐसा ही है, यही वजह कि जब मैंडेट जो आवाम का है वो ऊपर आएगा तो ही पाकिस्तान आगे जाएगा। चलिए, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही है कि खुश रहें सारे और मेहनत करते रहें, और अपनी ज़िंदगी को आप बस वही काम करें जो आपको खुशी दे, और
अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी देखते हैं। अच्छा अभी तक PSL के जितने भी मैच हो रहे हैं कितने देखे हैं? ज्यादा नहीं देखता लेकिन कम ही देखता हूँ क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक दो कभी कजन वगैरह बैठ के साथ देखा तो इस वजह से बैठ के। अच्छा अच्छा अगर PSL में अगर देखा जाए तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? लाहौर। वो क्यों? वो देखा जाए तो बाहर हो गई है लेकिन खेलती अच्छी है। उसके अलावा उसको कह सकते हैं कि अगर उसको मजीद चांस दिया जाए तो वो इम्प्रूवमेंट आ सकती है कि आगे खेल सकती है अगर इसको वापस एंटर कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर बात की जाए चैंपियनशिप की तो चैंपियनशिप जो होती है ठीक है पाकिस्तान में नहीं करवाई जाती, हर कंट्री में करवाई जाती है, इंडिया में भी हो जाती है लेकिन पाकिस्तान में नहीं करवाई जाती, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल वजह ये है कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं करवाई जाती, यहाँ पर खिलाड़ी अपने आप को महफूज नहीं समझते, यहाँ पर दहशत गर्दी हो जाए। क्यों? ये सियासत की वजह से वो रोब वगैरह डालते हैं। उसके अलावा बाकी हर मुल्क में होती है, इंडिया में मलेशिया वगैरह हर जगह होती है, यहाँ पर खिलाड़ी अपने आप को सेफ फील नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अगर देखिए अब आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो वर्ल्ड कप भी होगा ना तो वो पाकिस्तान में नहीं करवाया जाता, बाहर की कंट्रीज में करवाया जा रहा है। इंशाल्लाह आगे बढ़े आने वाले वक्त में मजीद होगा, यानी कह सकते हैं कि हो सके पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कप और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जीतेगा कभी। अच्छा अगर देखा जाए जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए राजी नहीं होते हैं ठीक है, क्या उनको इतना डर है पाकिस्तान से कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे या कोई कत्ल वगैरह हो जाएगा कुछ, वो डरते क्यों रहते हैं इतना? ये अब ये इसका कुछ कह नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान से वो हर दफा हारते हैं, यानी फाइनल वो पाकिस्तान इसलिए हारता है क्योंकि उनके पीछे कोई डर खौफ होता है, यानी उनको फोर्स किया गया होता है कि आपने इनसे फाइनल नहीं जीतना। अच्छा उसके अलावा ये है अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो अपने बलबूते पर आ गए यानी खुद के किसी के माने बगैर खेले तो इंडिया तो नहीं जीत सकता पाकिस्तान से, इसलिए फिर वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। चलो लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट पे कुछ भी नहीं, कुछ तो कह दो। किसके बारे में? हमारे खिलाड़ियों को कुछ कह दो। हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, यानी बहुत अच्छा खेलते हैं, आगे अल्लाह दुआ करे इनको इंशाल्लाह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी अगला ये जीते 2025 का, आगे अल्लाह इनकी कामयाबी करे। पाकिस्तान में PSL चल रही है। PSL चल रही है तो देखने गए हो? नहीं देखने तो नहीं गए, दो तीन दफा मूड बना था लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं जा सके तो नहीं गए। वैसे भी अब तो वो कराची में चले गए हैं इसलिए आप कहाँ जा सकते हैं। अच्छा तो जो जिनको शौक होता है वो कराची भी चले जाते हैं? इतना बजट नहीं ना, अगर आप हमें दे सकती हैं कुछ तो दे दे, हम चले जाते हैं कराची में। अच्छा बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। हाँ बनना पड़ता है। अच्छा देखो अगर बात की जाए एशिया कप की तो देखो जितने भी क्रिकेट होती है वो पाकिस्तान में नहीं करवाई जाती, एशिया कप नहीं करवाई जाती, बाहर इंडिया में करवा लेते हैं या आउट ऑफ कंट्री लेकिन पाकिस्तान में नहीं करवाई जाती, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि पहले तो क्या नाम है ये जो श्रीलंका की टीम थी जब धमाका हुआ था उसकी वजह से क्या नाम है टीमें आना बंद होगी, तो उस वजह से कोई ये इधर बड़ा कोई क्या नाम टूर्नामेंट नहीं हुआ, ना कोई वर्ल्ड कप हुआ, ना कोई कप वगैरह हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ एक धमाके की वजह? हाँ धमाके की वजह, सिक्योरिटी इशू है इसकी वजह से नहीं था हो रहा, लेकिन क्या नाम टाइम टू टाइम अब माशाल्लाह क्या नाम है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है, बहुत सी टीमों ने पाकिस्तान में दौरा किया है और क्या नाम है खेले भी हैं, अब उम्मीद है ये आगे क्या नाम है 25 में क्या नाम है एशिया कप सुनने में आया कि पाकिस्तान में होगा, होप सो देखे क्या होता है। अच्छा ही हो तो चले। अब देखिए अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में नहीं करवाने को राजी है, इतना मतलब डरते हैं? नहीं डरते नहीं है, बस सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो क्या नाम है कोई भी मुल्क के जो बोर्ड है PCB जैसे आप पाकिस्तान में ऐसे और मुल्क के अपनी अपने 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 बोर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं पाकिस्तान आने देते, बस सिक्योरिटी इशू है। और जो आपने वर्ल्ड कप की बात की बजट भी देखते हैं, पाकिस्तान में इतना बजट पता नहीं है कि नहीं है, हमने तो यही न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आज इतने लॉस में चला गया आज इतने लॉस में चला गया, तो उम्मीद है जैसे जैसे क्या नाम है क्रिकेट वापस आ रही है पाकिस्तान में भी हो सकता है आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में हो, जो मेन वजह तो बस यही है सिक्योरिटी इशूज़ हैं, लेकिन टाइम टू टाइम सिक्योरिटी इश्यूज भी हल हो रहे हैं, देखिए आती है कि नहीं, अच्छा ही हो अगर आ जाती है। अच्छा, तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो तो मतलब पाकिस्तान में आकर खेलना ही नहीं चाहते हैं ना, मतलब इतना सिक्योरिटी इशू है कि वो आ नहीं रहे। यार इंडिया का जो इंडिया की जो बात है ना, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खेलना चाहते हैं
उन ये बस पॉलिटिक्स का ही है मामला जो हम देख रहे हैं। इंडिया के ये नहीं कि इंडिया के प्लेयर नहीं चाह रहे, इंडिया के प्लेयर चाहते हैं वो पाकिस्तान में आए खेले, वो एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं। इंडिया की जो टीम है, पाकिस्तान की जो टीम है, ये एक दूसरे के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बस पॉलिटिशियन है जो, मतलब यानी कि दोनों मुल्क के जो पॉलिटिशियन है वो नहीं राजी, वो राजी नहीं है बस। इन दोनों में दुश्मनी किस बात पे चली है? सिर्फ कश्मीर की वजह से? हाँ, कश्मीर की वजह से है बस, वो इनका मसला हल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या नाम है ये जो सियासतदान है इनकी आपस में अनबन चल रही है। और जी देखिए ना, 75 साल हो गए, देखिए कब से ये कश्मीर का मसला चल रहा है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान मानता है ना इंडिया मान रहा है, और बीजेपी बस की दुश्मनी चले जा रही है। ऐसे ही है दोनों मुल्क, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि क्या नाम पाकिस्तान चाहता है, लेकिन दोनों जो हम देखते हैं दोनों मुल्क ही नहीं चाह रहे कि एक दूसरे के मसले हल हो। बस फंड इनको मिल रहा है, जो सच्ची बात है, ये हमारी आर्मी नहीं चाहती कि ये सारे मामला ठीक हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अब इंडिया के जो प्लेयर हैं पाकिस्तान में आकर खेलेंगे? मुश्किल है कि इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान में आके खेले, बाकी सारे आ गए हैं और आ भी रहे हैं। PSL में जैसे बड़े बड़े जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया की टीम को निकाल के बाकी सारे आए हैं। बाकी इंडिया को वो इंडिया के प्लेयर चाहते हैं, जो इंडिया की जो बोर्ड है ना, इंडिया का बोर्ड, वो नहीं चाहता कि इधर क्या नाम है पाकिस्तान में जाके हालात ठीक हो। बस वो यही इसलिए नहीं चाहते कि अगर वो पाकिस्तान में अपने क्या नाम प्लेयर्स को भेज दें तो यही मैसेज जाना कि पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, ये वो फ्लांडिंग, जो कि इंडिया नहीं चाहती कि ऐसा इमेज आउट ऑफ कंट्री में जाए, ये क्या नाम है मैसेज। अच्छा। बस इसी वजह से वो इंडिया के जो PCB है वो नहीं चाहती कि इधर आके ना वो। अच्छा, अगर ICC को देखा जाए तो ICC क्या इतना डरता है BCCI के, वो जो कहता है बस वो वही करता है, अगर उसने कह दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो वो नहीं होगा? जो ICC है वो BCCI की इसलिए बात मानता है कि क्योंकि जो सारा हैंडल है ना वो BCCI के अंडर आता है, तो इसलिए वो इनको क्या नाम है इनके रैंक ऊपर नीचे करते हैं, इनको पेमेंट देते हैं। आपको पता है जिसको जो पैसा देता है वो फिर उसी के गीत गाता है, तो सारी बात यही है, पैसे की सारी खेल है। इंडिया जहाँ पैसा लगाता है वहाँ अपनी बात मनवा लेता है, वो तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। चलो अब्दुल बुरहान, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही है कि जल्दी से पाकिस्तान के हालात ठीक हो, मुआशी हालात ठीक हो, हर मामला के हिसाब से पाकिस्तान के हालात ठीक हो, क्रिकेट वापस आ रही है, ये जो आपने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के नाम लिए हैं ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में पाकिस्तान में ज़रूर होंगे, कज़ाफी स्टेडियम में होंगे, दुआ कर ही रहे हैं, बस यही मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह।